इफ द सॉयल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ चीजें दे के रखा है। क्या क्या चीजें दे के रखा है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए एक तो ये इस क्वेश्चन में दे के रखा है पोरोसिटी, पोरोसिटी दे के रखा है जो कि हम लोग पोरोसिटी को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोरोसिटी का मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, जो कि देके रखा है 50%। सो 0.5 देके रखा है पोरोसिटी की वैल्यू। ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूं, नीचे समझा रहा हूं। पोरोसिटी इज इक्वल टू 0.5 दे दिया है इन्होंने ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट क्या देके रखा है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो कि हम लोग एस से समझाते हैं। सो एस इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, डिग्री ऑफ सेचुरेशन जिसका रेशियो दे के रखा है, मतलब परसेंटेज दे के रखा है 90%, दैट इज 0.9। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स? परसेंटेज एयर वॉइड्स का फॉर्मूला है एनए। एनए की फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू द एन इंटू द ए सी। ये हो जाएगी हम लोग की फाइनल फॉर्मूला। परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू द पोरोसिटी इंटू द एयर कंटेंट। अब एयर कंटेंट कैसे निकालनी है? सेचुरेशन में लिख देता हूँ, ये दोनों वैल्यू लिख लिया। अब मैं हम मुझे अब नेक्स्ट क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में एन ए की वैल्यू मुझे पता है, एयर कंटेंट निकालनी है, तो मैं उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों वैल्यू, तो मेरे पास कौन सी आ जाएगा? परसेंटेज एयर एयर वॉइड्स आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए एक शायद आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, दैट डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि देखिए जितना सेचुरेटेड होगा वो वॉइड्स वाटर से फील होगा और बाकी जितने वॉइड्स रहेगा बची रहेगा वो एयर से फील होगा। सो सेचुरेशन प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इससे एयर कंटेंट फाइंड आउट करूं तो वैल्यू आएगा 1 माइनस ऑफ 0.9 व्हिच इज इक्वल टू 0.1। सो फाइनली क्या होगा एनए, सॉरी, सो फाइनली क्या होगा? सो फाइनली जो है Na is equal to N into AC, which is equal to N का मतलब होगा दे के रखा हूं ऊपर porosity into the air content 0.1। तो अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगा 0.05। इसका मतलब क्या होगा? Which is equal to 5%। ठीक है, इसका मतलब है the answer will be option number A, percentage air void is equal to 5%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। द कॉमन यूज्ड मेथड फॉर क्विक डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैंकमेंट इज, तो पूछा गया है इसमें कि कौन सा मेथड है जिससे हमें वाटर कंटेंट जो है फील्ड में हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसमें चार मेथड गिवन है, ओवन ड्राइंग मेथड, सैंडबर्ट मेथड, अल्कोहल मेथड एंड कैल्शियम कार्बाइड मेथड। देखिए इसमें क्या है, जो ओवन ड्राइंग मेथड है आप लोगों को पता होगा, जो कि हम लोग 105 से लेके 110 डिग्री में हम लोग ओवन में रख के वाटर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज दी वन टाइप ऑफ फील्ड मेथड, नो सॉरी, दिस इज दी वन टाइप ऑफ लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, ये एक लैब मेथड है। उसके बाद जो सैंडबर्ट मेथड है ये एक फील्ड टाइप फील्ड मेथड ही है सैंडबर्ट, लेकिन इसका रिजल्ट नॉट एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है। अल्कोहल मेथड जो है ये भी एक फील्ड मेथड ही है, लेकिन इसका इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हर एक सॉइल के लिए हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे।
ये सुइटेबल नहीं है, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए नॉट सुइटेबल है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ये सुइटेबल नहीं है। तो बच गया है हम लोग के पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड भी एक फील्ड मेथड भी है, साथ में एक लेबोरेटरी मेथड भी है, फील्ड प्लस लैब मेथड है दोनों ही। लेकिन ये बहुत एक्यूरेट है, जिसके कारण आंसर क्या होगा, द कॉमनली यूज मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन। और जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, इससे हम लोग जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस मेथड इज दी आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टफनेस इंडेक्स। अगर पता नहीं है आप लोगों को, मैं लिख देता हूं, टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, जो टफनेस इंडेक्स होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एटिरबाक्स, द सॉइल इज सेड टू बी ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, इसका कुछ रेंज है। रेंज क्या है, अगर आपका सॉइल, पहला लिख लेता हूं मैं, अगर आपका सॉइल जो है नॉन प्लास्टिक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर सॉइल आपका लो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज लेस देन 7, 7 से कम होगा, मतलब 1 से लेके 6 तक होगा, या 6.99 तक होगा। उसके बाद थर्ड है, आपका अगर मीडियम प्लास्टिक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है, इट विल लाई बिटवीन, प्लास्टिसिटी इंडेक्स विल लाई बिटवीन 7 to 17, इट विल लाई बिटवीन 7 to 17। और उसके बाद हाई प्लास्टिसिटी है, हाई प्लास्टिसिटी अगर है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन 17। तो अगर देखा जाए, हमें पूछा गया है मीडियम प्लास्टिसिटी, तो ऑप्शन हो जाएगी हम लोग की ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एटिरबाग द सॉइल इज सेड, सॉरी, ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 65%। देखिए इसमें क्या क्या चीजें दे के रखा है, इसमें दे के रखा है, एक तो हो गया आप लोगों का लिक्विड लिमिट, WL, लिक्विड लिमिट दे के रखा है 0.65। उसके बाद प्लास्टिक लिमिट दे के रखा है 0.30, ठीक है, परसेंटेज में देखे रखा है, डिवाइड करके, मैं 100 से डिवाइड करके मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। उसके बाद श्रिंकेज लिमिट दे के रखा है 25%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दे के रखा है नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, व्हाट इज द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट जो है वो दे के रखा है 45%। सो व्हाट इज द लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द डब्ल्यू माइनस ऑफ द WP बाई द IP। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, लिक्विडिटी इंडेक्स की फॉर्मूला है WL माइनस ऑफ द W बाई द IP। IP का मतलब है, नीचे हम लोग लिख सकते हैं, W माइनस ऑफ द WP बाई द IP में लिक्विड लिमिट माइनस ऑफ प्लास्टिक लिमिट। तो अगर मैं इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, 0.45 माइनस ऑफ WP, 0.30 डिवाइडेड बाय WL, 0.65 माइनस ऑफ 0.30, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास वैल्यू आएगा 0.0.428, जो कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल इज 0.9 इट्स पोरोसिटी। देखिए इसमें वाइड रेशियो दे के रखा है, वाइड रेशियो इज इक्वल टू द 0.9। व्हाट इज द पोरोसिटी? पोरोसिटी फॉर्मूला होगा आपको पता, पोरोसिटी इज इक्वल टू द ई बाई 1 प्लस ई। सो अगर इससे मैं वैल्यू फाइंड आउट करो, 0.9 डिवाइडेड बाय 1.9 हो जाएगी दोनों प्लस करके, तो इससे वैल्यू आएगा 0.47, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये पोरोसिटी की फॉर्मूला है, वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल हैज परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30% इफ द पोरोसिटी। देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराया सब रिपीटेड क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसीलिए मैं ये करा के रखा हूँ ताकि आप लोग का अगर ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाता है तो मान के चलिए कि कुछ हद तक आप लोगों का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस रिपीट होते, मतलब होके आ रहा है ये सब सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, ए सॉइल हैज परसेंटेज एयर कंटेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, उसमें क्या दे के रखा है, परसेंटेज एयर वॉइड्स दे के रखा है। ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड जो है कितना है, 0.3, पोरोसिटी दे के रखा है 0.4। द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल, एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल निकालनी है, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसी की तरह है, Na इज इक्वल टू द एम इज इन टू द ए सी एयर कंटेंट। सो इससे मैं डायरेक्टली एयर कंटेंट निकाल सकता, एयर कंटेंट इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4 करता हूँ तो उससे वैल्यू आएगा 0.75, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स। व्हाट इज द रेशियो प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स? ये भी हो चुका है एक बार, लेकिन अलग तरीके से दिया था। प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स इज कॉल्ड एज द टफनेस इंडेक्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, ए सॉइल विथ ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 में बी कॉल्ड एस, जो सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है उस सॉइल को हम लोग क्या बताएंगे। ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन भी बता के रखा हुआ, अगर किसी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 हो जाता है, दैट सॉइल इज टर्म्ड एज द नॉन प्लास्टिक सॉइल, बता के रखा हो 7। अगर लो प्लास्टिसिटी होगा, लेस देन 7 होगा, मीडियम होगा 7 से लेके 17 तक होगा, और इसमें ग्रेटर देन 17 होगा, तो यहाँ पे 0 होगा, तो इट इज नॉन प्लास्टिक सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, द मेनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इन द हाइड्रोमीटर एनालिसिस। ऑप्शन क्या होगा, जो मेनिस्कस करेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा एंड द डिस्पर्सन एजेंट करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद जो टेम्पर दो और एक तीन एक्चुअली जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस है उसमें तीन करेक्शन होता है, मेनिस्कस करेक्शन, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन एंड टेम्परेचर करेक्शन। जो मेनिस्कस करेक्शन है वो हम लोगों की हमेशा ही क्या होगी, मेनिस्कस करेक्शन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि वो मेनिस्कस जो है हम लोग का नीचे बन जाता है, तो ये जो वैल्यू है हमें ऐड करना पड़ता है, सो करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन मेनिस्कस। डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव। और उसके बाद और एक करेक्शन रहता है, टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन जो है वो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, इफ द वॉइड रेशियो इज गिव, इस क्वेश्चन में वॉइड रेशियो दे के रखा है 0.67, वाटर कंटेंट दे के रखा है 0.188। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी दे के रखा है 2.68, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। शायद आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एस। ठीक है, फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एस। सो यहाँ से अगर वाटर कंटेंट
0.188 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ सेचुरेशन फाइंड आउट करनी है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन फाइंड आउट करनी है तो मैं वॉइड रेशियो से डिवाइड करूंगा, तो वॉइड रेशियो से मैं अगर डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, विच इज इक्वल टू, डिवाइड करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगा 0.752, विच इज नियरली इक्वल टू 75%। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ सेचुरेटेड क्ले हैज द पोरोसिटी ऑफ, दे के रखा है इस क्वेश्चन में, पोरोसिटी दे के रखा है 0.562। वॉइड रेशियो निकालना है हमें, शायद आप लोगों को पता होगा पोरोसिटी इज इक्वल टू द ई बाय द 1 प्लस ई, नहीं सॉरी, हमें वॉइड रेशियो निकालनी है तो वॉइड रेशियो पोरोसिटी के टर्म्स में लिखना होगा। तो ये कैसे लिखेंगे, एक फॉर्मूला तो ये है, अगर हमें वॉइड रेशियो निकालनी है, पोरोसिटी निकालनी है, अगर वॉइड रेशियो दिया रहेगा, पोरोसिटी निकालनी है तो इस फॉर्मूला से निकाल सकता हो, और अगर हमें वॉइड रेशियो निकालनी है, पोरोसिटी दे के रखा है तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से मैं अभी फाइंड आउट करूंगा विच इज इक्वल टू 0.562 बाय द 1 माइनस ऑफ 0.562, तो इससे मेरे पास वैल्यू आएगा 1.283, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, 1.283। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कॉन्स्टेंट इज, क्या होगा, यह मॉइस्चर कंटेंट बिलो व्हिच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट, दैट मॉइस्चर कंटेंट इज टर्म्ड एज द, देखिए आप लोगों को एक ग्राफ पता होगा, द ग्राफ ऑफ द वाटर कंटेंट वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इसमें एक ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, शायद आप लोगों को सभी को ये बात, ये ग्राफ पता है, क्योंकि इसी ग्राफ से हम लोग डिनोट कर सकते करते हैं प्लास्टिक लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का लिक्विड लिमिट, ये प्लास्टिक लिमिट और ये श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, ये जितने भी है सब वाटर कंटेंट है, सब वाटर कंटेंट है। तो अगर इससे देखा जाए, द मॉइस्चर कंटेंट और वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिलो व्हिच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स एज कॉन्स्टेंट, देखिए ये सॉइल वॉल्यूम है, ये कॉन्स्टेंट हो चुका है किसके नीचे, द एंसर विल बी श्रिंकेज लिमिट। इसी ग्राफ से पता लग रहा है कि श्रिंकेज लिमिट के नीचे सॉइल वॉल्यूम कांस्टेंट हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ना इफ द वॉइड्स ऑफ ए सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली, द सॉइल इज टर्म्ड एज, देखिए एक ऐसा सॉइल है जिसमें जितने भी वॉइड्स होगा वो सिर्फ एयर से भरा है, वाटर से नहीं है। अगर वाटर से भरा होगा तो डेट सॉइल विल बी टर्म्ड एज सेचुरेटेड सॉइल, और अगर कुछ हद तक एयर होगा, कुछ हद तक वाटर होगा, तो डेट सॉइल विल बी पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, और अगर फुल्ली एयर से ही भरा है, डेट सॉइल विल बी टर्म्ड एज दी ड्राई सॉइल, ठीक है, एयर से भरा है इसीलिए ड्राई सॉइल होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज टर्म्ड एज, सभी को पता होगा ये पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, वेयर एज वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सो टोटल वॉल्यूम मांगा गया है, सो पोरोसिटी आंसर हो जाएगी, ठीक है हम लोगों की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाइकनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पाइकनोमीटर किस चीज के लिए यूज किया जाता है सभी को पता होगा, पाइकनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन बोथ द वाटर कंटेंट एज वेल एज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइकनोमीटर से, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज टर्म्ड इज रिपोर्टेड एस, क्या होगा। देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की फॉर्मूला क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द लिक्विड लिमिट माइनस ऑफ प्लास्टिक लिमिट। लेकिन अगर इफ द सॉइल इज ग्रेटर ना, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा हो रहे हैं तो आंसर क्या आएगा हम लोगों का, निगेटिव में आएगा। लेकिन निगेटिव में नहीं आ सकता है, मैक्स टू मैक्स इसका वैल्यू जो है वो जीरो आएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास इसका रिजल्ट जो है जीरो आ रहा है, देन सच काइंड ऑफ सॉइल इज सेड टू बी नॉन प्लास्टिक सॉइल। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो जीरो हो सकता है, मतलब सॉरी मिनिमम जो है वो जीरो हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता, तो इट इज नॉन प्लास्टिक सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द लिक्विड लिमिट टू द लिक्विड लिमिट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये क्या हो जाएगा। देखिए इसमें मैं जितने भी वैल्यूज है सभी के बारे में बताऊंगा। पहले लिक्विडिटी इंडेक्स, व्हाट इज लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द डब्ल्यू एल प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये हो गया आप लोगों का लिक्विडिटी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है वो हो जाएगी, ठीक है ये हो गया कंसिस्टेंसी इंडेक्स। उसके बाद आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखना है, लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर मैं दोनों को सम अप करूंगा तो मेरे पास जो है वैल्यू वन आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला हो चुका है कंसिस्टेंसी और श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज रेशियो इज द रेशियो ऑफ गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, ड्राई डेंसिटी बाई ड्राई यूनिट वेट बाई द यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो अगर मैं देखा जाए तीनों को मतलब नोटिस करके, तो रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो दोनों में ही है लेकिन लिक्विड लिमिट ऊपर लेकिन इन्होंने ऊपर मांगा है सिर्फ लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट एक भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर लिक्विड लिमिट है। सो द ऑप्शन विल बी, विच वन विल बी द ऑप्शन, सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नन ऑफ द एबव होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिलो व्हिच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स एस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड द मॉइस्ट, एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट जिसके नीचे सॉइल वॉल्यूम कॉन्स्टेंट बनेगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता के रखा आप लोगों को डायग्राम वाइज डायग्रामेटिकली, कौन सा मॉइस्चर कंटेंट है जिसके नीचे सॉइल वॉल्यूम कॉन्स्टेंट बनेगा, इट विल बी द श्रिंकेज लिमिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वॉइड रेशियो फॉर द एस ना सॉरी वैलिड रेशियो फॉर डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज, जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है इसका वैलिड रेशियो क्या है, इसका वैलिड जो रेशियो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वो हो जाएगा, रुकिए बता रहा हूं, कलर सिलेक्ट कर लेता हूं पहले मैं। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का जो वैलिड रेशियो है वो बनेगा 0 से लेके 100 तक। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, वैलिड रेशियो ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन इस एस लाइज बिटवीन 0 से लेके 100, इक्वल टू 0 भी हो सकता है 100 भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। ठीक
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन। बल्क डेंसिटी का मतलब है गामा टी, गामा टी इज इक्वल टू कितना देख रखा है, 22 किलो न्यूटन पर मतलब मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट देख रखा है 0.10, ड्राई डेंसिटी। फॉर्मूला है गामा डी इज इक्वल, फाइंड आउट करना है गामा डी। सो फॉर्मूला क्या होगा, गामा डी इज इक्वल टू द गामा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस W। सो इससे क्या वैल्यू आ रहा है, इससे वैल्यू आ रहा है 22 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, विच इज इक्वल टू, इससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टफनेस इंडेक्स। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये बार बार आ चुका है एग्जाम में। टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट वेट ऑफ ए कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज गिवेन बाय, कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल, एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, गामा टी इज इक्वल टू द फॉर्मूला क्या है, जी प्लस एस सी इंटू द गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस E। अगर ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में सेचुरेशन ऑफ द सॉइल क्या है, द यूनिट वेट ऑफ द कंप्लीटली सॉइल जो है कंप्लीटली सेचुरेटेड है, मतलब एस की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो एस की अगर वैल्यू 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, जी प्लस ई इंटू द गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस E, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉइल हैज ए एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ 0.2 mm। सो इट इज प्रीडोमिनेंटली कौन सा बनेगा, अगर 0.2 साइज है, अगर 0.2 है साइज तो ये होगा आपका कौन सा होगा, बता रहा हूं आपको। देखिए 0.2 साइज के बारे में पूछा गया है, तो हमें सारा साइजेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर देखा जाए जो भी पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 300 mm होगा, उन पार्टिकल्स को हम लोग बोलेंगे बोल्डर्स। ठीक है, उनको बोलेंगे हम लोग बोल्डर। उसके बाद जिनका साइज 300 से लेके 80 mm तक है, दे आर नोन एज कॉबल्स। ठीक है, दे आर नोन एज कॉबल्स, बोल्डर्स हो गया, कॉबल्स हो गया। उसके बाद 80 mm से लेके 4.75 mm तक जो भी है, दीज आर नोन एज ग्रेवल्स। ठीक है, दे आर नोन एज ग्रेवल्स। उसके बाद नेक्स्ट है 4.75 mm से लेके 75 माइक्रोन तक, तो दिस पार्टिकल्स आर नोन एज सैंड। उसके बाद 75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक, 2 माइक्रोन तक, सो दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज द सिल्ट। और जो पार्टिकल्स 2 माइक्रोन से छोटा हो, उनको हम लोग बोलते हैं क्ले। सो अगर ऑप्शन देखा जाए इसमें, ठीक है, अगर इसमें देखा जाए ऑप्शन, कौन सा आ रहा है हम लोग के पास, अगर देखा जाए ऑप्शन तो हम लोग के पास ये आ रहा है 0.2 mm। 0.2 mm जो है इनके बीच में आ रहा है, तो सो द ऑप्शन विल बी सैंड। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सैंड हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सॉइल, डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
कितना होगा रिलेटिव डेंसिटी? अगर हमें पूछा गया है जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी डेंस एंड पूछा गया है, तो मैं कैसे करूंगा? देखिए एक्चुअली क्या है, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में अगर पूछा जाए ना, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है, इसके ऊपर एक टेबल बन के रखा है, और सैंड जो है, सैंड कौन सा टाइप ऑफ सॉइल है सभी को पता होना चाहिए। सैंड इज ए वन टाइप ऑफ कोहिजन लेस सॉइल, कोहिजन लेस, कोहिजन लेस सॉइल। कोइजन लेस सॉइल सैंड है, क्योंकि बहुत बार ये आ चुका है सैंड कौन सा टाइप ऑफ सॉइल है। इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी के बारे में अगर मैं बताऊं, तो टेबल बन के रखा है, रिलेटिव डेंसिटी जो है रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग और एक टर्म से बताया जाते हैं, डेंसिटी इंडेक्स। तो इसका जो वैल्यू है वो कहां से लेके कहां तक है, 0 से लेके 15, 15 से लेके 35, 35 से लेके 65, 65 से लेके 85, और 85 से लेके 100। ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव इंडेक्स मतलब सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स का रेंज। अब कौन सा सॉइल है, दिस इज वेरी लूज सॉइल, दिस इज लूज सॉइल, दिस इज मीडियम सॉइल, दिस इज डेंस सॉइल, एंड द लास्ट वन इज द वेरी डेंस सॉइल। ठीक है, अब हमें पूछा गया है डेंस सॉइल या डेंस सैंड। तो डेंस के बारे में अगर पूछा गया है, तो ऑप्शन जो है ये वाली है, मतलब 65 से लेके 85 तक होगा। ठीक है, 65 से 85 का ऑप्शन जो है हम लोग के पास कौन सा है, द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सॉरी 0.6 है। 0.6 नहीं हो सकता, क्योंकि 0.6 हो जाएगी तो मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, ये मीडियम में आ जाएगा। तो अगर देखा जाए, इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शन, ना ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ना ये ऑप्शन, ना ये वाला, ना ये। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना है, कंपेक्टेड डेंस यहाँ पे कहा गया है, कंपेक्टेड डेंस सैंड। कंपेक्टेड का मतलब क्या है, या तो डेंस सैंड होगा या तो वेरी डेंस सैंड होगा, दोनों के बीच में आना चाहिए। तो अगर देखा जाए, जो 95 वाला परसेंटेज है ना, 0.95, ये वैल्यू हम लोग का आ रहा है वेरी डेंस सैंड में, तो ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कभी कभार क्या है, ये लोग घुमा के देते हैं क्वेश्चंस को, सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। पहला 0 से 15, वेरी लूज सॉइल, लूज सॉइल, मीडियम सॉइल, डेंस सॉइल, वेरी डेंस सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। उसके बाद रिलेटिव सॉरी रिलेशन होगा, रिलेशनशिप बिटवीन डेंस ड्राई डेंसिटी परसेंटेज एयर कट वॉइड्स वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, रिलेशनशिप क्या है, ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू द 1 माइनस ऑफ Na इंटू g इंटू द गामा डब्ल्यू बाई द 1 प्लस डब्ल्यू जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, आप लोग को याद रखना है रिलेशनशिप जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, इस क्वेश्चन में हम लोग को ये बताने मतलब बता रहा है कि ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कि अगर मैच करना है, कौन कौन सा किस में हो रहा है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दोनों को मैच करना है। ठीक है, स्टोक्स लो, स्टोक्स लो जो है वो किस में मैच हो रहा है, फ्लो थ्रू कैपिलरी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी लिमिट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल। देखिए जो फ्लो थ्रू कैपिलरिटी है, मतलब अगर देखा जाए तो स्टोक्स लो जो है
ये हम लोगों का फ्लो थ्रू कैपिलरिटी कैपिलरी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए, डार्सिस लॉ, डार्सिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल्स। उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए, पॉइजलिस इक्वेशन, पॉइजलिस का होगा क्या, किससे मैच हो रहा है पॉइजलिस, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल मास, ऑप्शन नंबर फोर। उसके बाद डी जो एटिडबग्स है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, एटिडबग्स इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, दो के साथ, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर सी, सी के साथ ये मैच हो रहा है, ठीक है, सभी वैल्यू सी के साथ मैच हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर, व्हाट इज द हाइड्रोमीटर, द हाइड्रोमीटर इज एक्चुअली यूज्ड टू फाइंड आउट द या मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोमीटर के काम क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज जीरो, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स सॉइल की जीरो है तो उसमें जो टाइप ऑफ सॉइल है वो कौन सा बनेगा। देखिए पहले ही बता कर रखा हो, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू जीरो है तो इट विल बी द नॉन प्लास्टिक, इट विल बी द नॉन प्लास्टिक क्ले, सॉरी इट विल बी द नॉन प्लास्टिक सॉइल। और नॉन प्लास्टिक सॉइल कौन सा है, सैंड में जो क्ले है हम लोगों का प्लास्टिक है, सिल्ट में भी प्लास्टिसिटी है, क्लेई सिल्ट में प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है, नॉन प्लास्टिक हो गया सैंड हम लोगों का। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारे पास मतलब हम लोग को प्लास्टिसिटी की जरूरत नहीं है, जो कि सिल्ट में प्लास्टिसिटी सॉरी सैंड में प्लास्टिसिटी नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी, वाटर कंटेंट जो है वो सॉइल का कितना होगा, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल कैन बी लेस देन जीरो, कैन बी ग्रेटर देन जीरो, कैन नेवर बी ग्रेटर देन जीरो, कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 to 100। जो वाटर कंटेंट है वो उसका जो अपर ना वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट, इसकी हमेशा लिमिट होती है, जो लोअर लिमिट होगा वो हमेशा वाटर कंटेंट की लोअर लिमिट जो है वो हमेशा जीरो से ज्यादा होना चाहिए और अपर लिमिट की कोई रेंज नहीं है। सो इट कैन बी ग्रेटर देन 100%, 100% से ज्यादा हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इन ए सॉइल मास, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स को ये मान लेते हैं इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स भी सेम है दोनों, तो वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जो कि वॉइड रेशियो का वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहां से मुझे वॉइड रेशियो फाइंड आउट करनी थी, जो कि मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, पोरोसिटी इज इक्वल टू द वॉइड रेशियो बाय द 1 प्लस वॉइड रेशियो व्हिच इज इक्वल टू 1/2, जो कि 0.5 हो जाएगा। सो ऑप्शन हो जाएगी, पहले पोरोसिटी लिखना है, सो 0.5 एंड 1, सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, ई बाई द, हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई बाई द 1 + e इज इक्वल टू पोरोसिटी, ठीक है। इसके बाद क्योंकि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता कर रखा है, एक तो ये फॉर्मूला हो जाता है और दूसरा फॉर्मूला हो जाता है, ये दो फॉर्मूला है, तो ये दो फॉर्मूला एक ऑप्शन नंबर बी के साथ ही मैच हो रहे हैं, बाकी किसी के साथ ये मैच नहीं हो रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेवल्स एंड सैंड बिलोंग टू दी फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल, कौन सी कैटेगरी के साथ मैच हो रहे हैं ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल एंड सैंड दे बिलोंग टू दी
एलोवियल, कोहेसिव, एक्सपांसिव एंड मेराइन। ग्रेवल एंड सैंड दोनों ही एलोवियल कैटेगरी के साथ मैच हो रहे हैं, ठीक है। द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बस इतना ही बोलना था आज के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा, नेक्स्ट सीरीज में फिर से 35 क्वेश्चंस में बताऊंगा, क्योंकि आज मैं 35 क्वेश्चंस ही बता पाया, उससे ज़्यादा नहीं बता पाया, ठीक है। मैं नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस फिर से बताऊंगा, 35 35 का क्वेश्चन बताते जाऊंगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक्स।